हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आज हम आपकी यूनिट थर्ड में एस ब्लॉक एलिमेंट चल रही है, तो हमारी यूनिट थर्ड में हमारा क्या चल रहा था? तुलनात्मक अध्ययन। तो आज हम नेक्स्ट तुलनात्मक अध्ययन कराएंगे। आज हमारे बात करेंगे हम यौगिकों की विलेयता, और यौगिकों की विलेयता के साथ साथ हम बात करेंगे लिथियम तथा मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे यौगिकों की विलेयता। यौगिकों की विलेयता की बात करते हैं। विलेयता से हम समझते हैं कि कोई भी यौगिक किस विलायक में घुलने की प्रवृत्ति रखता है। तो हम सबसे पहले हम फर्स्ट एवर की बात करते हैं। तो फर्स्ट एवर में भी सबसे पहले फर्स्ट एवर का फर्स्ट एलिमेंट यानी हम लिथियम की बात करते हैं। तो जो लिथियम होता है इनके भी यौगिक होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं इनके भी यौगिक हैं। तो हम लिथियम के यौगिकों की बात करते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारे लिथियम के जो यौगिक हैं अपने वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में अलग घुलने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि जो लिथियम के यौगिक हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलने की प्रवृत्ति अधिक रखते हैं, यानी कार्बनिक विलायकों में घुलने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बनिक विलायकों में घुलने की प्रवृत्ति अधिक रखते हैं। अब हम फर्स्ट एवर में ही नीचे चलते हैं, यानी अप टू डाउन चलते हैं, तो कार्बनिक विलायकों में घुलने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिथियम के यौगिक के अलावा जो अन्य एलिमेंट्स हैं फर्स्ट एवर में, लवण जल में विलय होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी कि वो किसमें? क्षार धातुओं की जो और तत्व हैं उनके यौगिक हैं लवण जल में विलय होते हैं। इसकी तो लिथियम की बात करते हैं तो कार्बनिक विलायकों में तथा अप टू डाउन जा रहे हैं फर्स्ट वर्ग में, तो जो बाकी के एलिमेंट्स के यौगिक हैं वो लवण जल में विलय होने की प्रवृत्ति रख रहे हैं। अब हम सेकंड डे की बात करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम के यौगिक होते हैं बेरिलियम के यौगिकों की बात करें तो ये सहसंयोजक विलायकों में घुलने की प्रवृत्ति अधिक रखते हैं। उसी प्रकार हम जैसे हम फर्स्ट एवर में अप टू डाउन गए हैं, इसी प्रकार हम सेकंड एवर यानी क्षारीय मृदा धातु के जो अन्य एलिमेंट्स के यौगिक होते हैं उनकी प्रवृत्ति सहसंयोजक विलायकों में घुलने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, और वो जल में जल्दी विलय होते हैं। किसमें? जल में विलय होने की प्रवृत्ति उनकी बढ़ती जाती है, यानी कि जो बेरिलियम के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स के यौगिक होते हैं उनकी जल में विलय होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो इनके ये गुण होते हैं अपने एलिमेंट अपने वर्ग में ही सबसे अलग दिखाते हैं, जैसे लिथियम और बेरिलियम। इसीलिए जो लिथियम का जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके गुण हैं अपने विकर्णीय एलिमेंट्स यानी कि लिथियम की मैग्नीशियम से तथा बेरिलियम की एल्युमिनियम के साथ अधिक मतलब प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम दोनों एक जैसे हैं और बेरिलियम और एल्युमिनियम। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम तथा मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध। हम बात करेंगे लिथियम तथा मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध। मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध की अगर हम दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई ना कोई इनके पीछे रीज़न होगा। तो हम देखते हैं जो लिथियम है अपने वर्ग की बात करें, खुद के फर्स्ट वर्ग में क्षारीय धातुओं की बात करें तो सबसे छोटा आकार होता है,
सबसे छोटा आकार होता है, इसलिए ये अपने वर्ग के एलिमेंट्सों से थोड़ा भिन्न होता है। और हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का भी कुछ यही हाल है। तो हम लिथियम की बात कर रहे हैं सबसे पहले। जो लिथियम होता है अपने वर्ग, अपने छोटे आकार के कारण अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्नता रखता है तथा अपने विकर्ण संबंधी, अपने विकर्ण संबंधी यानी लिथियम या मैग्नीशियम, बेरिलियम होता है, तो अपने विकर्ण संबंधी एलिमेंट यानी मैग्नीशियम से समानता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के कुछ गुण लिथियम तथा मैग्नीशियम में समानता प्रदर्शित करते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। तो जो सबसे मेन रीज़न है जो इन दोनों को सेम बनाता है वो है इनकी आयनिक रेडियस, जो कि सबसे पहले कंपेरिजन में यानी आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या की बात करें, आयनिक रेडियस जो इनकी आयनिक रेडियस होती है वो बिल्कुल तो बराबर एक्यूरेट बराबर नहीं होती, बट अप्रॉक्स बराबर होती है यानी लगभग बराबर होती है। लिथियम की बात करें तो जो लिथियम की रेडियस होती है, लिथियम Li प्लस में होता है ये याद रखना, और जो Mg होता है वो प्लस टू में रहता है, Mg प्लस टू। तो जो Li प्लस की जो रेडियस होती है 0.76 और 0.72, और रेडियस हम एंगस्ट्रॉन्ग है। तो इनमें देख लो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, 0.76 एंड 0.72 एंगस्ट्रॉन्ग। तो हम दूसरे रीजन की बात करते हैं, पहला तो हो गया हमारा आयनिक रेडियस से, दूसरा हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, जिसे हम EN से शो कर सकते हैं। यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन दोनों एलिमेंट्स की लगभग बराबर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव अप्रॉक्स बराबर होती है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर होती है, दोनों की लगभग बराबर होती है। और साइज भी इनका लगभग बराबर होता है, साइज तो बराबर है, रेडिया ही लगभग बराबर है, तो इनका साइज भी बराबर होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर होगी, इनका साइज लगभग बराबर होगा, तो इनकी जो ध्रुवण क्षमता होती है, ध्रुवण क्षमता भी लगभग समान होती है, इनकी ध्रुवण क्षमता होती है, ध्रुवण क्षमता भी लगभग सेम होती है। हम तीसरे रीजन की बात करें कि जो लिथियम और मैग्नीशियम धातु होती है, इनका जो धात्विक गुण की बात करते हैं तो कैसी होती है, जब ये एलिमेंट्स हैं, धातु है, मेटल है, तो ये कैसी होती है। जो लिथियम तथा जो मैग्नीशियम धातु होती है कठोर होती है, ये हार्ड होती है तथा आघात वर्धनीय होती है तथा तन्य होती है। तो तीसरे की बात करें तो ये धातु कठोर होती है, मेटल है तो कठोर होंगे, और कठोर होने के साथ साथ ये आघात वर्धनीय होते हैं, और आघात वर्धनीय होने के साथ साथ ये तन्य भी होती हैं, डक्टाइल, जिसे हम डक्टाइल बोलते हैं। अब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। जो लिथियम और मैग्नीशियम धातु होती हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जो हम थर्ड पॉइंट की बात करें मैं, तो लिथियम एंड मैग्नीशियम के बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों उच्च होते हैं, हाई होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। अब धातुओं की बात कर रहे हैं तो लिथियम और मैग्नीशियम की कंपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों ही वायु में जलती हैं, यानी वायु में जलकर दोनों धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड किस फॉर्म में रहती है, Li2O एंड MgO की फॉर्म में, Li2O और MgO बनाती हैं, वायु में जलकर दोनों Li2O एंड MgO बनाती हैं। और ये दोनों धातुएं ओनली ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं, क्योंकि हमने पहले देखी है जो इनका साइज होता है बहुत छोटा होता है, और साइज छोटा होगा तो ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो फॉर्म होती है उनको स्टेबल नहीं कर पाती, इसलिए ओनली ये ऑक्साइड फॉर्म में रहती हैं, वायु में जलकर Li2O एंड MgO की फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि जो दोनों धातु होती हैं नाइट्रोजन के साथ किस प्रकार रिएक्शन करती है, क्या बनाती हैं। तो हम रिएक्शन की बात करते हैं, जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो लिथियम एंड मैग्नीशियम
की बात करें तो ये दोनों धातु होती हैं, ये दोनों धातुएं, ये दोनों धातुएं नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कर ये जो दोनों धातुएं होती है नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाती है, नाइट्राइड बनाती है। अभी तो हमने जो नॉर्मल है वही उनके सेम रीजन देखें। अब हमारे रिएक्शन की बात आ गई, पहले तो बायो बदलने वाली आ गई कि ओनली ऑक्साइड फॉर्म में रहती हैं, अब नेक्स्ट बात करें तो ये नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाती हैं। तो पहले हम देखें लिथियम नाइट्रोजन से कर, यानी नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में Li+N2। तो हम रिएक्शन करते हैं तो Li मिलते हैं, तो 6Li+N2 नाइट्रोजन के दो हैं तो Li3N2Li3N यानी नाइट्राइड बनाती है, नाइट्राइड की फॉर्म में है, नाइट्राइड बनाती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम के 3 अणु प्लस में नाइट्रोजन वही गैस के फॉर्म में है N2, तो क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम 3 है तो Mg3N2, क्योंकि N2 क्यों बनाया हमने पहले कह दिया है, जो Mg+2 फॉर्म में रहता है और जो लिथियम है प्लस फॉर्म में रहता है, Li+ फॉर्म में। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के ऑक्साइड, जब हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं दोनों के ऑक्साइड जल में अल्प विलय होते हैं, हम कह सकते हैं कम विलय होते हैं। ऑक्साइड हमने देख लिए थे Li2O एंड Mg2O दोनों जल में कम विलय होते हैं, और कम विलय होंगे जिसके कारण जो जल से अभिक्रिया होती है कि H2O से रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब जल से रिएक्शन करेंगे Li2O की H2O से रिएक्शन तथा MgO की भी H2O से रिएक्शन। अब Li2O से भी H2O रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बना रहा है यानी LiOH, लिथियम के दो अणु उसके भी तो LiOH तथा MgOH का हॉल प्राइस। और जो ये जो क्षार हैं ये दुर्बल क्षार होते हैं, क्या है ये दुर्बल क्षार हैं, वीक वेस हैं, ये दुर्बल क्षार हैं, LiOH एंड MgOH का हॉल प्राइस क्या है, दुर्बल क्षार होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमारे हाइड्रोक्साइड हो गए, लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो इनके हाइड्रोक्साइड है ये दुर्बल क्षार है और इनकी भी रिएक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं जो दोनों के हाइड्रोक्साइड है यानी LiOH एंड MgOH का हॉल प्राइस से गर्म करने पर विघटित होकर ऑक्साइड बनाते हैं, घूम फिर करवा तो ऑक्साइड बन जा रही है क्योंकि छोटा साइज है तो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकते। तो जो इनके ऑक्साइड हैं यानी LiOH है, लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम MgOH का हॉल प्राइस की बात कर रहे हैं, MgOH का हॉल प्राइस, ये दोनों टू LiOH और MgOH का हॉल प्राइस, दोनों के दोनों जो धातु हैं इन दोनों के ऑक्साइड गर्म करने पर, हम इनको गर्म करने पर दोनों विघटित होकर ऑक्साइड बना रहे हैं। ऑक्साइड किस फॉर्म में, ऑक्साइड बनेगा तो हमारा वाटर निकलेगा, ऑक्साइड वाटर यानी हमारा H2O निकलेगा, दोनों में हमारा H2O निकलेगा क्योंकि अब विघटित हो रहे हैं तो हमारे H2O के अणु बाहर निकल जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा Li2O के फॉर्म में तथा MgO वही ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म मैंने आपको पहले बता दी कि ऑक्साइड फॉर्म हमारी यही थी Li2O और MgO, वही रिएक्शन रिवर्स हो रही है, जब हम दोबारा गर्म कर रहे हैं तो H2O के अणु निकल रहे हैं, पहले हमारे H2O के अणु जुड़ रहे थे तथा यहाँ पे H2O के अणु निकल रहे हैं वही। अब हम बात करते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम इनके कार्बोनेट की बात करते हैं, अब इनके कार्बोनेट की बात करते हैं, जो कार्बोनेट फॉर्म में जो लिथियम होता है वो Li2CO3 Li2C
CO3 होता है और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो Mg CO3। तो हम जो देख रहे हैं, जो लिथियम का कार्बन था, मैग्नीशियम का जो कार्बन है, अब इनको गर्म करेंगे, इनको गर्म करते हैं तो ये भी विघटित होते हैं, दोनों के कार्बोनेट भी विघटित होते हैं और दोनों के कार्बोनेट भी विघटित होकर क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं। और ऑक्साइड मैंने आपको बता दी Li2O और Mg, लिथियम के फॉर्म में जो ऑक्साइड लिथियम का ऑक्साइड Li2O और MgO। लेकिन यहाँ पे हमारा H2O नहीं निकलेगा, कार्बोनेट फॉर्म में हमारी CO2 गैस निकलेगी। क्या निकल रही है हमारी? CO2+CO2। ये हो गए हमारे कार्बोनेट। कार्बोनेट फॉर्म में हमने देखा कि हमारी CO2 गैस निकल रही है। अब हम देखते हैं नॉर्मली रीजन, जो हमारे जो LiCl और MgCO2 की बात करें तो दोनों ही प्रस्वेदीय टैली सिक्वेंट पदार्थ हैं। LiCl एंड MgCO2 की बात करते हैं, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, MgCO2 की बात करें तो दोनों ही प्रस्वेदी हैं। और जो LiCl जो MgCO2 है, वहीं हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात की तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एल्कोहल और पिरिडीन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में प्ले होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में किस किस में? एल्कोहल और पिरिडीन। हमने पहले ही देख लिया था लिथियम होता है कार्बन ब्लैक उम्ब्ले होता है और मैग्नीशियम भी कार्बन ब्लैक उम्ब्ले होगा, क्योंकि इन दोनों के विकर्णी संबंध है तो जो हमारा मैग्नीशियम भी होता है वो भी कार्बन ब्लैक उम्ब्ले होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेरिलियम की बात की थी तो वो सहसंयोजक ब्लैक उम्ब्ले थे, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर सहसंयोजक ब्लैक उम्ब्ले होने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। और जो हमारी जो लिथियम है मैग्नीशियम के साथ विकर्णी संबंध दर्शाता है, इसलिए जो LiCl और MgCl2 की बात करें तो कार्बन ब्लैक यानी एल्कोहल और पिरिडीन में ब्लैक होता है। और हम नेक्स्ट और लास्ट की बात करते हैं। अब हम देखते हैं जो दोनों धातुओं के नाइट्रेट होते हैं वो गर्म करने पर विघटित होते हैं। जो दोनों धातुओं के नाइट्रेट होते हैं, अब हम दोनों धातुओं के नाइट्रेट की बात करते हैं। जो दोनों धातुओं के जो नाइट्रेट होते हैं वो गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। और नाइट्रेट हमने फॉर्म देखी थी, नाइट्रेट फॉर्म हमने क्या देखी थी, हमने वो नाइट्राइट फॉर्म देखी थी। अब हम नाइट्रेट फॉर्म देखेंगे। नाइट्रेट फॉर्म है हमारी Li(NO3) और मैग्नीशियम की बात करें तो जो वही है Mg+2 फॉर्म में रह रहा है तो Mg(NO3) का और ट्वाइस। तो हम इसकी रिएक्शन की बात करें, जो हमारी हीटिंग होगी मैग्नीशियम की, जो नाइट्रेट की हीटिंग करते हैं तो हमारा O2 गैस निकलेगी। सबसे पहले हम करते हैं हमारा क्या बन रहा है, 2MgO, हमारी रिएक्शन हमारी बनेगी NO2+। इसी प्रकार दोनों विकर्णी संबंध शो कर रहे हैं। जब हम लिथियम के नाइट्रेट को गर्म करेंगे, लिथियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमारी नाइट्रेट फॉर्म को गर्म करने पर O2 गैस निकलेगी तथा हमारे फॉर्म क्या होगा, Li2 के दोन प्लस में 4NO2+ में O2। तो हमने आज की क्लास में लिथियम तथा मैग्नीशियम के विकर्णी संबंध देख लिए, और विकर्णी संबंध हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनकी धात्विक आयनिक त्रिज्याओं से। धात्विक आयनिक त्रिज्या दोनों की लगभग सेम है, 0.76 और 0.72। जो धात्विक त्रिज्याएँ थी हमने एंगस्ट्रॉम में ली थी, उसके बाद हमने इनकी प्रवृत्ति देखी कि कठोर है, आघातवर्णी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, साइज देखी और फिर हमने इनकी रिएक्शन देखी। और हमने देखा अगर साइज छोटा है तो दोनों धातु वायु में जलकर ऑक्साइड फॉर्म में रहती हैं, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड फॉर्म में नहीं रहती हैं, वही फैक्टर साइज का फैक्टर। फिर हमने उसके बाद नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखी, फिर उसके बाद हमने ऑक्साइड फॉर्म में देखी, इनके हाइड्रोक्साइड फॉर्म देखी, इनके हाइड्रोक्साइड फॉर्म क्या थी, दुर्बल क्षार थी। फिर हम उनके हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर विघटित होने पर हमारी H2 निकल रहा था। उसके बाद हमने दोनों के कार्बोनेट
देखे कार्बोनेट के बाद हमने LiCl और MgCl2 देखे। LiCl जो MgCl2 थे हमारे कार्बोनिक प्लायोग में मिले थे, और कार्बोनिक प्लायोग कौन कौन से, एल्कोहल एंड प्रीडिल। अब हम दोनों धातुओं के नाइट्रेट की बात की थी, जो दोनों धातुओं के जो नाइट्रेट होते हैं गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं, और विघटित होते हैं तो हमारी ओटो गैस निकलती है। तो हमने देखा कि नाइट्रेट फॉर्म में तो हमारी ओटो गैस निकलती है, और जब कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमारी CO2 निकलती है, और हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं विघटित करते हैं तो हमारा H2O निकलता है। आई थिंक आपको आज की क्लास पसंद आए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमेशा बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद।